आपके परिवार में कुल कितना लोग हैं? सात हैं, खेत की यारी नहीं बा। 7 किलो पाई थे, बनी मजूरी के खियाए थे, कहाँ से लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई। आप मनरेगा में काम काहे नहीं करत हैं? नहीं मिलत, कहाँ से करी, काम मिलबे नहीं किया, करी कहाँ से, मांगे गए नहीं पावा, 7 महीना से काम नहीं मिला है। कुल कितना लोग हैं जिनके ये समस्या होता है? 100 आदमी। आपका खर्च कैसे चलत है? कैसे ये बनी मजूरी करत है, ये खियावत है, नरेगा में काम करी थे, नरेगा 7 महीना से नहीं होता है, काहे की परेशानी में पहरे ओढ़ावे के, पढ़ाई लिखाई हर चीज के परेशानी बा है। फिर प्रधान के पास गए रहे, काम मांगे? हाँ गए रहे, काम मांगे, काम नहीं रहा, नहीं काम दे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला ग्राम वारी में सुशीला देवी सहित इन सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम न मिलने से काफी समस्या हो रहा था। मैं इसको लेकर 2 माह पहले एक इशू वीडियो बनाई, बहुत प्रयासों के बाद अब वहां जाके बदलाव हो पाया और सभी लोगों को काम मिल गया। दीदी आप लोग आज काहे के लिए आई हैं? कल मीटिंग भर रहा, एप्लीकेशन लिखा रहा, 7 महीने से काम नहीं मिला, कैसा मैडम एप्लीकेशन दिए जाते, आज प्रधान के लिए काम मांगे। दीदी अब आप लोग क्या करत हैं? काम करत है प्रधान दिन काम, बाल बच्चा खही पी, अब कायदे से रही, पढ़ाई लिखाई कायदे से हुए। का प्रयास करे रहे? एप्लीकेशन दीवान रहा प्रधान के, काम मिला, प्रधान के लगे गए काम दिन। का समस्या रही? समस्या ये रही, नरेगा उरेगा खटच जात रहे, नरेगा में 7 महीने से काम नहीं पाए, जब काम नहीं पाए तो खाई जिए बहुत परेशानी होती है। एक दिन कैसा मैडम आई तब हमार सबके एप्लीकेशन लिखवाए, सवेर ले जात गई तब प्रधान के यहाँ दिवा, जब प्रधान के यहाँ दे गए तब काम मिले लगा, नरेगा में हमेशा मन के काम करने लगे, वही सब खुश हो गया, काम मिला तो है, खही जी लड़का बच्चा खिए। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हर समस्या का वीडियो बने और उसका समाधान हो। मेरे वीडियो के माध्यम से इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाया। मैं केसा देवी, उत्तर प्रदेश भदोही जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।